नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं जो का हिंदी का पेपर होने वाला है 1 मई को, उसके लिए ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको भी राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के अंदर हिंदी विषय के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं, 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना दोस्तों आपके लिए, यहाँ पर लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के जो भी आपके पेपर बचे हैं उन सभी की तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जा रही है। और जो हमने आपको यहाँ पर मैथ्स का और यहाँ पर जो है इंग्लिश का पेपर बताया था, लगभग सभी सवाल 19 में से आए। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से, हमें पता चला विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर जो आपने प्रश्न बताए थे वही सवाल सेम आए हैं। तो देखिएगा, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो कि हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा, हम बात करने वाले हैं हिंदी के पेपर के बारे में, 2021-22 एग्जाम जो का हो रहा है। अब दोस्तों फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी जो है वीडियो देख के चले जाते हैं और ना तो वो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आपको हिंदी का पेपर साथ ही में जो बचे हुए पेपर है, जैसे साइंस का है, SST का है एंड संस्कृत का, इन सभी के पेपर चाहिए तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दोस्तों जो बेल आइकन है ना, घंटी नोटिफिकेशन, उसको भी प्रेस कर लें। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। दोस्तों देखिएगा, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मॉडल पेपर। दोस्तों अगर देखिएगा, ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो देखी और एक पूरा देख लिया और आपके पास पूरा पेपर मिल गया, वो नहीं। अगर आपको हिंदी के अंदर अच्छा स्कोर करना है तो हमारी जो है 3-4 जो है पेपर जो है वीडियो बनाते हैं ना, 3-4 मॉडल पेपर आप देख लेते हैं तो लगभग सवाल 80% चांस रहता है कि वही सवाल फिक्स आते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इससे पहले हमने हिंदी का पेपर ऑलरेडी बना रखा है, बहुत सारे 50,000 लोगों से अधिक वीडियो देखा गया, मैथ्स के पेपर को 3,00,000 लोगों ने देखा, तो उन सभी का पेपर की तैयारी बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पर देखिएगा, हम बता रहे हैं कि आपको मॉडल पेपर जो है जो भी हम बना रहे हैं, अगर आप 3-4 मॉडल पेपर हमसे पढ़ लेते हैं तो वहाँ से जो है आपके लिए सवाल आने वाले। इसलिए आप टेलीग्राम पर मैं PDF डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। अब देखिएगा, यही सेकंड मॉडल पेपर है, हम डाल रहे हैं आपके लिए सेकंड मॉडल पेपर है। क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता ध्वनि में किस ऋतु का वर्णन है। क्या कहा गया है कि आपकी जो ध्वनि कविता है उसमें कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है सर्दी ऋतु, यानी कि सर्दी, गर्मी, वर्षा, फिर बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, कौन सी ऋतु है। तो करेक्ट आंसर देखिएगा, इसमें जो ध्वनि है ना, ध्वनि में यहाँ पर जो है बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। कौन सी ऋतु का, बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बस की यात्रा में बस कैसी थी। भाई बस आपको पता थी कि वयोवृद्ध थी, कैसी थी, वयोवृद्ध बस जो है हो जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, किसने तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया था। भाई तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला किया था तार ने, किसने किया था, तार ने। आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने की बात किसने की, भाई किसने की, आपको पता ही है बहुत, कितना सिंपल सवाल है, ये की थी किसने, बाज ने की थी। अगला क्वेश्चन पांचवा है, दर्जी ने टोपी पर कितने फुदने लगाए। तो दर्जी ने टोपी पर 5 फुदने लगाए, कितने लगाए थे, 5 लगाए, ऑप्शन का करेक्ट होगा। तो भारत के सबसे सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक जिला जो है वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वह आ जाएगा पुडुकोट्टई, कौन सा, ऑप्शन क आंसर होगा, ठीक है। और काफ़ी विद्यार्थी कमेंट भी करते हैं कि सर पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, तो मैंने बता दिया है, पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन करना है, वैसे आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और यहाँ से जो भी आप पेपर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल ओपन करना है, यहाँ पर सर्च करना है rnstudymasala.com, क्या सर्च करना है, rnstudymasala.com, ये सर्च करनी है। इसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फिर आप नीचे जो है फर्स्ट लिंक यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस पर आप सिंपली क्लिक कर लेंगे, यहाँ क्लिक करना। देखिएगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, rnstudymasala का। इस वेबसाइट पर आपको पहुँच जाना है, कौन सी वेबसाइट, rnstudymasala, ठीक है। फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिएगा RBSE क्वेश्चन पेपर 2022, यहाँ पर, और यहाँ पर मिलेगी आंसर की, ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर की मिलती है। और यहाँ पर आपको पेपर डाउनलोड करना है तो क्लास 8 पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है।
क्लास 8 पर क्लिक करने के बाद में नया पेज आपके सामने ओपन हो किया जाएगा। आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के पेपर हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, आप हिंदी पर क्लिक करते हैं तो हिंदी का पेपर आप जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है कहाँ से जो है पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा। तो देखो मान में घमंड किस में होता है, मान शब्द है। अब मान देखो, मान के अंदर देखो शब्द कौन सा है, मान। अगर मैं इस मान के अंदर में उपसर्ग, भाई उपसर्ग कहाँ लगते हैं, उपसर्ग किस शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वह प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। अब यहाँ पर उपसर्ग आगे बोल रहा है तो उपसर्ग आगे मतलब यहाँ पर उपसर्ग क्या लगाएंगे, मान है। तो मान के अगर देखो अभी लगा देंगे ना, अभी प्लस मान, तो ये क्या हो जाएगा, अभिमान। जैसे कहते हैं ना कि रावण को अपनी शक्ति पर बहुत ही अभिमान था, उस यानी कि अभिमान था मतलब उनको बहुत ही ऐसा घमंड था, कोई भी हो सकता है। अब मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर देखो अपमान नहीं होगा, अपमान। अपमान तो भाई किसी का अपमान करना वो अलग चीज़ हो जाएगी, उसका अर्थ घमंड नहीं होगा। तो सम्मान तो क्या होगा, किसी को सम्मान करना वो तो बात है नहीं। अभिमान जो है एक करेक्ट आंसर, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, अभिमान, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द कौन सा बनेगा, इनमें से किस शब्द के अंदर ता जोड़ेंगे शब्द बन जाए। देखो ता प्रत्यय, प्रत्यय क्या लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। तो देखिएगा प्रत्यय जो है संस्कृत में प्रत्यय कितने होते हैं, 22 प्रत्यय होते, सॉरी संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं ना। प्रत्यय के यहाँ जैसे यानी प्रत्यय कौन से होते हैं, जैसे कृत प्रत्यय है, तदिन प्रत्यय है, बहुत सारे प्रत्यय आपके सामने देख लीजिएगा। ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द कौन सा बनेगा, तो ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द देखो मित्रता, तो मित्रता में देखो मित्र बनेगा, मित्र प्लस ता क्या बनेगा, तो हो जाएगा मित्रता, क्या बनेगा मित्रता। अब शब्द बनते हैं ये सारी चीज़ का हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 9 से 15 का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में देना। देखिए दोस्तों फिर बता रहा हूँ, अगर आप 3-4 मॉडल पेपर देख लेंगे आपको चैनल पर 3-4 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं, ऐसे उन्हीं में से पूरे प्रश्न आने वाले। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ये वाला वीडियो देखा फिर दोस्तों उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। ऐसा नहीं कि आपने ये वाला वीडियो देखा और उसके बाद में कहा सर पूरा पेपर सेम मिला ही नहीं। अरे दोस्तों पूरा पेपर सेम कैसे मिलेगा, पूरा पेपर सेम तब मिलेगा जब जो हमने बता रहे हैं सवाल उन्हीं को पढ़ेंगे। अब आप कहीं कोचिंग जा रहे हो, अब कोचिंग जा रहे हो, कोई ट्यूशन जा रहे हो, मान स्कूल जा रहे हो, क्या आप एक दिन के अंदर पूरे होशियार हो गए, क्या आपने एक दिन के अंदर पूरा सब कुछ सीख लिया। भाई रोजाना स्कूल जाते थे तभी तो आपने सीखा है, क्या सिर्फ एक वीडियो मतलब एक क्लास के अंदर सीख लिया, एक क्लास में कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, पूरे तप बल से अपना जो है लगाना पड़ता है। तो उसी प्रकार दोस्तों जो है हमने जो है आपको सिर्फ 3-4 मॉडल पेपर पढ़ लो, आपके सारे क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, लेखक ने वृद्धा किसे कहा है, वृद्धा किसे कहा है, तो आपको पता ही है बस को कहा है ना, बस को। दीवानों की मस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपसे सबसे अच्छी लगी, तो हमें जो है सबसे अच्छी कौन सी लगी थी, हमें ऐसी लगी थी कि भाई जैसे कोई भी होता ना, सुख दुख हो, सुख दुख है तो भी क्या करते हैं दीवाने, क्या करते हैं मस्ती करते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चिड़िया अपने चोंच में क्या दबाई हुई थी, तो चिड़िया अपने चोंच में क्या दबाई हुई थी, तिनका दबाई, क्या दबाई थी, तिनका दबाई हुई थी। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है, कामचोर जो कहानी होती है संदेश देती है कि अपने जो है जो भी माता पिता है, माता पिता को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, मतलब काम सिखाना चाहिए, है ना, उनमें जो है भी जो भी आदत है ना काम करने की आदत डालनी चाहिए कि ये काम करो वो करो, ऐसा नहीं कि जो है बैठे रहिए मौज मस्ती करें, वो वाली बात नहीं है। शुरुआत से ही देखो भाई कोई व्यक्ति शुरुआत से मैच्योर होता है ना तो आगे बढ़कर सफल होता है, भाई शुरुआत से ही उसमें अच्छे मतलब ऐसे गुण डाल दें मैच्योरिटी के जिससे उसका जो विकास है वो परिपक्व हो जाता है और बाद में एक महान आदमी बनता है। अब आपने शुरुआत में ही वो ऐसा आलसपन रहता तो बाद में बड़े आदमी कुछ नहीं कर सकता, उसमें पूरी ज़िंदगी वो भुगतता है, समझ रहे हो। चलिए जमीला बीबी ने क्या चलाना शुरू किया था, तो क्या चलाना शुरू किया था आपको पता ही है, साइकिल चलाना शुरू की, क्या शुरू की, साइकिल चलाना शुरू की थी। निम्न शब्दों के आपको विलोम शब्द बताने, क्या बताने, विलोम शब्द बताने, जैसे कोमल, भाई कोमल का मतलब क्या होता है, मुलायम, तो मुलायम विलोम शब्द क्या होते हैं, उसका उल्टा, उसका विपरीत शब्द होता है, ऑपोजिट वर्ड। तो भाई देखो कोमल यानी क्या होता है, मुलायम, भाई मुलायम देखो क्या कहते हैं, ये चीज़ बहुत कोमल है, फूल कितना कोमल होता है, तो यहाँ पर कठोर
पत्थर कितना कठोर होता है, तो कोमल का विपरीत क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कठोर। देखिएगा अनुचित इनएप्रोप्रिएट, तो यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, उचित, उचित का उचित का विपरीत हो जाएगा अनुचित, तो यहाँ पर अनुचित का विपरीत क्या हो जाएगा, उचित हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर आपको शब्द के तीन तीन यानी पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, सिनोनिम्स बताना, तो यहाँ पर देखो किसका बताना, चलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा पेड़, पेड़ का देखो पहला लिख देते हैं कुछ, जैसे आई थिंक देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, पेड़ का देखो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पेड़ को और क्या क्या बोलते हैं, जैसे कि वृक्ष बोलते हैं, ठीक है वृक्ष बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, ध्रुम बोलते हैं, ध्रुम ध्रुम बोलते हैं ना, आकाश को क्या बोलते हैं, जैसे गगन हो गया, दूसरा क्या लिखते थे इसका, नभ लिख दो, तीसरा क्या लिखते हैं इसे, व्योम लिख दो। अब मुझे पेड़ का एक याद नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, पेड़ का मुझे कमेंट करके, वृक्ष हो गया, पेड़ हो गया, और क्या तक हो सकता है ना, तो वो वाली चीज़ हो जाएगी, मुझे कमेंट करना है पेड़ का, ठीक है। देखते हैं कितने विद्यार्थी यहाँ पर करेक्ट आंसर देते हैं, चलिए अब देखिएगा, फिर बताना दोस्तों किताब वाले सवाल है, किताब वाले सवाल में मैं हस्तक्षेप नहीं करने वाला हूँ भाई, किताब वाले सवाल देख लीजिए, जैसे कवि पुष्पों की तंद्रा और आले से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता था, ठीक है, सवाल दे रखे, हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कवि का क्या तात्पर्य है, ये सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बाद जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था, टोपी पहनते ही गवरैया के मन में क्या इच्छा जागी थी, तथा टोपी पहनकर गवरैया की क्या प्रतिक्रिया थी। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर आपको क्या बताना है, एक 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 सार्थक वाक्य, जैसे शब्द दे रहेगा ना, सार्थक वाक्य मतलब उसका कुछ सार्थक मतलब उसका अर्थ निकलना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि आपने उल्टे पुलटे वाक्य बनाए उसका कोई अर्थ नहीं निकल, निरर्थक है, तो बोलो उसका अर्थ निकलना चाहिए, वाक्य बनाना बस सेंटेंस निर्माण करना है, जैसे बालक, जैसे वह बालक बहुत सुंदर है, बालक बहुत सुंदर है, कुछ भी वाक्य बना दो है जो आपके मन में आए, जैसे क्या है धरती, धरती का क्या बना सकते हैं, जैसे इस धरती पर जीवन संभव है, कुछ भी आप बना दो। अब देखो या तो आप बहुवचन लिख दो या फिर ये लिख दो, अथवा वाला सवाल है, चार नंबर का, चार चार नंबर का सवाल अथवा वाला है, या तो आप ये वाला कर सकते हैं या फिर नीचे वाला बहुवचन बनाकर ये वाला कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा है, जो आप देखिए विद्यार्थी कह रहे सर, विद्यार्थी काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर ये वाला करें या फिर ये वाला करो, देखो ये मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, अब मैं तो कह देता हूँ बहुवचन कर लो, फिर आप कहेंगे सर बहुवचन आता ही नहीं, ये ऐसा नहीं होता कि आपने जो मन में आ गया वो कर लो, आपको जो परफेक्ट आता है, जो आपको अच्छा आता है, जिसमें आप परफेक्ट हैं, जिससे आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं उसको करिए, जिससे आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सर हाँ हमें ये सार्थक वाक्य बनाना ये बहुत अच्छा आता है, इससे हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप ये करें, अगर आप कहते हैं कि सर मुझे ये बहुवचन बनाना अच्छा आता है, तो आप बहुवचन बना लीजिए, दोनों में से एक करना, दोनों नहीं करना, ध्यान रखना। देवता, जैसे यहाँ पर देवता के वाक्य बना लीजिएगा, है ना, आगे देखिएगा चंद्रमा के कुछ भी वाक्य सेंटेंस बना लीजिएगा, आगे देखिएगा यहाँ पर बहुवचन, तो बहुवचन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मिठाई है, तो मिठाई का बहुवचन क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मिठाइयाँ हो जाएगा। झील का बहुवचन क्या हो जाएगा, झील का बहुवचन हो जाएगी झीलें, क्या हो जाएगी, झीलें। भाषा का बहुवचन क्या हो जाएगा, भाषाएँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाषाएँ हो जाएगा। संतरा तो संतरे, है ना, संतरे, ओके दोस्तों यहाँ आगे लगेगा, है ना, चलिए संतरे, चलिए आगे देखिएगा 21वां क्वेश्चन है, आपके मोहल्ले में लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, उन्हें आप कैसे समझाएंगे, भाई उनको कहना है, उनको बताना है कि भाई कचरा नहीं फेंकना है, कचरा फेंकेंगे तो भाई गंदगी आएगी, ठीक है, गंदगी से बीमार पड़ेंगे, मतलब उनको आपको यानी कि उनको क्या करना, जागरूक करना है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान उनके बारे में जानकारी देना, और भी बहुत सारे जो है सरकार द्वारा योजनाएं चले जा रही है कि भाई आपको ये मतलब कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, कचरे को डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर जो है पॉलीथीन वगैरह इसका भी यूज़ नहीं करना है वगैरह वगैरह आपको बताना। आगे देखिएगा 22वां क्वेश्चन है, वाहन चालकों की किन गलतियों से सड़क दुर्घटना होती है, ये देखो सड़क का चार नंबर का सवाल है, बहुत ईजी आएगा, कोई दिक्कत या नहीं, वाहन चालक को किन गलतियों से सड़क, भाई देखो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कुछ तो भाई देखो यानी कि गाड़ी बहुत स्पीड से चलाते हैं, ध्यान रखते नहीं है, है ना,
और कोई तो जो है हॉर्न बजाने की बजत नहीं, कोई नशे के अंदर गाड़ी चलाता है जिससे कि उसका खुद बैलेंस नहीं हो पाता है कि वो कभी मतलब ऐसा कुछ ना कुछ चला देता गाड़ी, तो वो वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है चलिए। और यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, कहीं गाड़ी कहीं पे कहीं रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहे, कहीं कहीं गाड़ी चला रहे, तो वो वाली चीज़ें हो जाएगी। आगे हमारा जो है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। गद्यांश वाला पैसेज देगा, विद्यार्थी काफ़ी विद्यार्थी घबरा जाते हैं ऐसे सवाल से। देखिए बहुत सिंपल है, बस कुछ नहीं है, आपके सामने तो उत्तर दे रखा, उत्तर ढूंढ कर लिखना बस, और क्या दिक्कत है। जैसे मैं बहुत हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चलना जाता था और एक आध महीने वहाँ रह कर स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता था, परंतु दो तीन बार मैं अपने मामा के यहाँ गया, होगा देर का सवाल। अब लेखक को किसके यहाँ जाना अच्छा लगता था? आपने कहा मामा के यहाँ, तो मामा लिख दो बस, कितना सिंपल सवाल है। लेखक अपने मामा के घर कब तक रहता था? तो यहाँ पर आपको बताना, ठीक है, कब तक रहता है यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखिएगा इतने देर का सवाल, यानी कि देखो दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ होऊंगा, ठीक है दो तीन बार। गांव में रहते लेखक को भी किसका ध्यान नहीं है, तो यहाँ पर देख लो रुचि नहीं थी किसके लोग, बहुत सारे सवाल आपको समझ दे रखे हैं। लेकिन लंबी अवधि के लिए मामा के गांव क्यों नहीं जा सका था? लंबी अवधि तक मामा के गांव नहीं जा सका, क्यों नहीं जा सका? क्योंकि यहाँ पर देखो मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदल गई, यानी कि जो है दूर के शहर बदली होगी, मतलब उसका जो ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सके। और आगे ये देखिएगा हमारे सामने जो है गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी। अब देखो सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये कौन सा, देखो दोनों में से या तो ये करूँ या ये करूँ। अब देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, छः नंबर का है, देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करेगी करुणा जन रोई, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सुपंग धोई। यानी कि जो श्री कृष्ण जो होते हैं वह सुदामा जो प्रिय मित्र था, यानी सुदामा जी के क्या करते हैं, पैर से अपने जो नैनन जो है अपने जो है आँखों के जो आंसू है आंसू से अपना जो उनका पैर धोते हैं। तो यहाँ पर देखो करना क्या है, पहले क्या लिखना है प्रसंग, मतलब उसमें प्रसंग भी साथ में लिखना है। पहले लिखना है प्रसंग, प्रसंग में क्या लिखना है, देखो ये कहानी किसने लिखी थी, यानी कि नरोत्तम दास, तो क्या लिखोगे प्रस्तुत अवतरण या फिर पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक, यानी कि पाठ्य पुस्तक किताब नाम लिखना, उसके बाद में नरोत्तम द्वारा रचित उसका लिख देना पूरा, और एक लाइन आपको उसमें ऐड करनी। उसके बाद में क्या लिखना है व्याख्या लिखनी, क्या लिखनी व्याख्या, व्याख्या में आप क्या लिखोगे इसका पूरा सार, यानी सुदामा से उनकी दशा देखी नहीं गई इसलिए जो है करुण निदान, यानी कि करुणा निदान जो थे उनके जो है पानी के यानी कि पानी की परात लाए बिना ही अपने नैन अपने आँखों के आंसुओं से उनके पैर धोए वगैरह वगैरह चीज़ें आप लिख देंगे। और आपका जो है छः नंबर, देखो इसका दो नंबर आपको मिलने वाला है, किसका प्रसंग का दो नंबर आपको मिलेगा, चार नंबर व्याख्या का आपको मिलने वाला है। ओके दोस्तों चलिए उसके बाद देखिएगा 25वां सवाल है, समाज में व्याप्त लड़का लड़की के भेदभाव से संबंधित दो छात्रों की बातचीत को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखना है। आपने आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और नौवीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को यानी कि टीसी जगह पर, देखो मैं बता रहा हूँ किसका आपको आएगा, देखो एप्लीकेशन लिखनी आएगी आपको, देखो एक तो आप संवाद लिखना, संवाद और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन देखो टीसी पर आ सकती है, टीसी पर आ सकती है, या फिर दो दिन की छुट्टी लीव फॉर टू डेज, दो दिन की छुट्टी के लिए आ सकती है, कोई भी आ सकती है वगैरह वगैरह चीज़ें लिखनी, या फिर आप दो दिन के बीमार पड़ गए तो वह बुखार वगैरह आएगा तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगला देखिएगा 26वां प्रश्न है, देखो या तो देखो या आपको ये भी सवाल अथवा वाला है, आप जो है 150 शब्दों में निबंध लिख सकते हैं, जैसे दीपावली है प्रकाश पर्व है, आप होली पर भी निबंध आ सकता है, स्वच्छ भारत अभियान पर आ सकता है, गणतंत्र दिवस पर आ सकता है, या फिर कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, इस पर तो फिक्स है 100% मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब की बार राजस्थान बोर्ड 10th क्लास में भी ये आया था, तो इसमें भी चांस है कि ये वाला आ सकता है कोरोना महामारी वाला, ठीक है तो इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लें। या फिर अगर आपको कहानी लिखने का शौक है तो आप कहानी लिख दे, आपको जो है 150 के अंदर आपको कहानी लिख सकते हैं, जैसे लोमड़ी और अंगूर, शेर और खरगोश और कछुआ, या मधुमक्खी और चिड़िया, कोई भी आप कहानी लिख सकते हैं, आपको बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलने वाले हैं। अब विद्यार्थी कहते हैं सर इसकी PDF कहाँ से मिलेगी, PDF का तरीका मैंने बता दिया है, आपको टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। और विद्यार्थी का मैं अनुरोध करता हूँ उन विद्यार्थियों से जो कि चैनल पर आ जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, यार देखो मैं फिर से मैं आपको निवेदन करता हूँ, है ना, कि विनम्र निवेदन है, पॉलिट रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा हमारे चैनल की 80% देखो
कि मैं आपको बताता हूँ, एक मेरा यानी कि जब मैं अपने चैनल का एनालिटिक्स चेक करता था, मैंने देखा था कि 80% लोग और 20% लोग, 80% लोग जो आते हैं चैनल वो है वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और 20% लोग जो है वीडियो देखकर सब्सक्राइब करते हैं। अब 80% विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इतने बढ़िया पेपर लेकर आए हैं, अब आपका फ़र्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा मैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक जय हिंद और वंदे मातरम।